अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर पीटीआई के कारकुन मुश्तैल हो गए। कारकुनों ने एसएसपी मलीर ऑफिस का घेराव करके हलीम आदिल शेख की रिहाई के लिए नारेबाजी की। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार है। इलेक्शन को मुतासर करने के लिए फायरिंग भी की गई। वसीम हाशमी रिपोर्ट करेंगे। पीएस 88 मलीर का जिमनी इंतखाब सियासी जमातों के कारकुनों की हंगामा आराई के बाईस मैदानी जंग बन गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बदली के अहकाम पर पुलिस ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किया तो पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद एसएसपी मलीर ऑफिस के बाहर जमा हो गई। मुश्तैल कारकुनान नारेबाजी करते हुए एसएसपी ऑफिस की दीवारें फैलांगने की कोशिश करते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनेद लाखानी ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के अमल को खराब करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई है। सुबह से इनको इधर अरेस्ट करके रखा हुआ है और तमाम पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया है बाहर। उसके बाद हर जगह से ये खबरें आ रही हैं कि उनके ठप्पे लग रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो सादा वर्दियों में अंदर बैठे हुए हैं और ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह इलेक्शन के रिजल्ट का फायदा क्या, इस तरह के इलेक्शन का फायदा क्या? पुलिस ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गडाब और मेमन गोट में पहले से दर्ज की गई एफआईआर के तहत जाहिर की। वसीम हाशमी, K21 न्यूज़, कराची।